बहुत वधिया साथ दिता खास तौर पर धनबाद साढ़े एम एल ए साहब भी नाम आए हुए हैं एस डी एम साहब साहब सारे आए हुए हैं तुम इतने दो मिनट खड़े रहे अज आप एस डी एम साहब को मैं विश्वास लैना एम एल ए साहब को विश्वास लाना कि साढ़े शहर के रसोए के चाइना डोर की बिक्री नहीं होगी देखो जे कोई फड़िया जाता वो 188 का पर्चा लगता डी सी साहब के हुक्मों की उलंघना करना थाने के जमात हो जाए असी डिपार्टमेंट का सारा नाल है जी जिहड़ी मर्जी दफा लाओ जो मर्जी करो पर सानू है जी रोक लगनी चाहिए एस डी एम साहब चाइना डोर से अब आप सारे इकट्ठे हुए हैं शहर बस तो एम एल ए साहब भी प्रशासन भी इतने मौजूद है हाँ जी तो जिदा कह लो भी नशे दे जिहड़े आ छापेमारियां की जाएगी तो की चाइना डोर थामो पाने लिए मतलब छापेमारी नहीं हो सकती देखो जी पहला तो बहुत दुखद गल आ कि कल दो बच्चे साढ़े दसवें के पुल उत्ते हादसा होया चाइना डोर करके और करके एक चेतना जी डेवलप हुई है ये वधिया गल है कि सारे इकट्ठे हुए हैं एक यहोजी चीज़ बारे जी मतलब हुण मतलब एक साडा कल्चरल मुद्दा भी हैगा कि पतंग लोग उड़ाते हैं बट चाइना डोर करके इन्ना नुकसान हो रहा है ये बारे एक अवेयरनैस की लड़ है दूजा जी तुम कह रहे हो कि ये बारे छापेमारी क्यों नहीं हो रही धारा 144 के तहत मानजोग डीसी साहब होशियारपुर ने ऑर्डर कड़े हुए ने यह धारा के करफ्यू लगते होंगे मतलब इस दे उत्ते तुसी की कार्रवाई कर सकते हो सोचो कि ये धारा 144 के ऑर्डर कड़े हुए ने कि जे कि जिहड़ा बंदा इनू वेचेगा स्टोर करेगा जी वरतों करेगा तीनों बंदे पूरे चेन दे विच जिहड़ा बंदा करूगा उसके उत्ते 188 का सख्त परचा किया जाएगा मतलब प्रशासन पूरा सख्त आ बट जिदा कि तुसी देखिया है कि अपने भारत से पंजाब सूबे से जिनी भी यहोजी मुहिम हैगी एक जदों तक जन भागीदारी वो नहीं होंगी लोग आप नहीं खड़े नाल जिदा कि अच्छ सारे कट्ठे हुए हैं उस हादसे तो बाद जदों तक वो नहीं होगा तद तक इससे नत्थी पाना बहुत औखा आ टाइम बहुत लगेगा और करके बहुत नुकसान हो सकता है जानी नुकसान हो सकता है बट असी इस गल नूं समझदे आ तां ही असी अपील करदे आ ते नाल मैं तां कहिंदा हुण अपील का समा भी चल गया तरीके की चेतावनी आ कि जिहड़ा बंदा फड़े गया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਰ ਫਿਰ ਗਈ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ से सुविधा जनता की है सारे वास्ते है कोई गरीब होवे कोई अमीर होवे खासकर इस सरकार दे विच तां देखो इन्नी वधिया इन्होंने उपराला किया आम आदमी क्लीनिक तुसी देखो 26 जनवरी तो पहला इन्ने सारे नवे खुल जाने हैं साढ़े दसवें टांडा सब डिविजन दे विच भी नवे खुल रहे हैं तो सरकार दा मैं कहना सब तो उत्ते प्रायोरिटी हेल्थ हैगी तो जिहड़ी उह गल तुसी कह रहे हो कि सरकार की गरीबां वास्ते कर रही है मैं तो कहना ये तो सब तो इन्हां दा एजेंडा ही हेल्थ एजुकेशन है तो सारिया जिमें इस माध्यम राही मैं सारे भी अपील करदा देखो जी एक होंगे फस्ट आर गोल्डन आर जिन्होंने कहें कि चलो वह बचाव हो गया बच्ची उत्थे लैके चल गए जिदा साढ़े दसवें के भी कल जी घटना वापर गई थी वो कोई चंगा बंदा सीगा जिन जिहड़ा उन्हों सब डिविजन लैवल हॉस्पिटल से लैके गया सीगा तो मैं यही अपील करदा सारिया तो कल कल बंदे तो कि जदों भी तुहानू मैं नहीं कहिंदा चाइना डोर तो बट कोई भी एक्सीडेंट हुंदा है तुसी नियरेस्ट हॉस्पिटल ते लैके जाओ तुहाडी प्रोटेक्शन पूरी होवेगी तुहानू तुसी इह ना समझो कि असीं तुहानू तुहाडे खिलाफ ही कोई कार्रवाई करवा देंगे इहनू कहिंदे गुड समैरिटन ते गुड समैरिटन बनो गोल्डन आर से जाना बचाओ जी है ना असीं अपना काम कर रहे हैं बट असीं आपदी जिम्मेवारी भी समझिए सत श्री अकाल जी हाँ जी अज्ज दसूआ दे विच समुचे दुकानदार भाईचारे ने साडे स्कूल दे बच्चियां ने नाल सारा व्यापार मंडल ते साडा सारा प्रशासन अज एक जागरता मुहिम जिहड़ी चलाई है उहदे विच आपां एक रैली टाइप कढ के इत्थे लोकां नूं जागरूक किया कि जिहड़ी चाइना डोर का जो सीजन चल रहा उहनां नूं ना वरतिया जाए चाइना डोर नूं ना वरतिया जाए तो प्रशासन वालों भी आपां पहलां ते अपील की सी हुण थोड़ा जिहा चेतावनी टाइप कह सकते हैं सख्ती नाल भी उहनां नूं लोकां नूं कह रहे हैं जिहड़े चाइना डोर बेचते हैं तो पेरेंट्स नूं भी यही बेनती है कि बच्चों थोड़ा जिहा बचा करके रखो बच्चों पतंग चाइना डोर चढ़ाउण तों रोकिया जाए तो जिहड़े लोग बेचते हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ के अपील भी है चेतावनी भी है कि ना लोगों दी जानां नाल खेडे जाए तो नहीं तो सरकार वालों प्रशासन वालों बहुत सख्ती नाल उन्हां दे खिलाफ एक्शन लिया जाऊगा सरकार अगे भी ये जिहड़ी चाइना डोर है इहनूं वेचण वास्ते आपां हर एक दुकानदार भाईचारे दे नाल आ पहलां भी जिन्हां लोक जिहड़े लोग फड़े गए उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई सख्ती नाल कीती है अगों भी जिहड़े कोई फड़े जाणगे उन्हां दे खिलाफ सख्ती नाल कार्रवाई कीती जाए किसी का भी इस गल दे विच लिहाज नहीं होगा।
सर जिहड़ा पुल दे उपर तुसीं जाल लगा रहे हो उहदे बारे जानकारी दे। पुल ते जिहड़ा जाल ला रहे हैं एमएलए साहब नूं सुणिया जां लोकां दी लोड़ भी है साढ़े सारे तुहानूं सारी डिटेल दस्सदा जाल लगाउंदा इह मतलब कारवाई कर सकदे अपने लैवल ते हादसा तद रुकेगा जदे दो लोक पर जे दो लोग यूज कर रहे हैं तो उन्होंने बुलाने कटने और जो कटते हैं तो डोर जी डिलरती वो पुल के उत्तों लंघ की हाइट जोड़े मोटरसाइकिल सवार है जो लंघ रहा उन्हें गल च फिर जाती है जो फट जाती है ये आप उपर नैट ला रहे हैं टैंपररी तौर पर भी जिन्ना बचा कर सकते करते हैं कि अभी नगर कौंसलों है सारे दुकानदार जी गलबात हो गई थी बच्चों को पढ़ो पेरेंट्स को पढ़ो पढ़ सकते हैं पर दूसरा क्वेश्चन आया कि बच्चे तो बच्चे है जी इन्हों समझ नहीं हैगी आप बरूदर गल हो जाती पर एंड इतनी है कि आप परसनल सर्टिफिकेट पढ़ जा रहे हैं क्वेश्चन वगैरह चल रहे हैं नगर कौंसल छापे भी मार रही है पर छापे मारन की लोड़ ही क्यों पाई फिर सूँ पता कि जहर बिकता बाजार तो असं रोकने वो भी रुकना चाहिए खरीद के खाना थोड़ी चाहिए और यदि एक जहर है जिन्होंने अगर इंजॉय करना बाकी डोर इंडियन डोर है वो सारी डोर बनती है वो उन्ना इंजॉय कर सकते हैं सर कोई नगर कौंसल वाले कोई हेल्प नंबर भी जारी कर रहे हो तुम कोई हेल्प नंबर जो डीसी लैवल से डीसी साहब ने जारी किया है वो सारे प्रशासन लिए एक ही है लोग फिर कन्फ्यूजन से चले जाते हैं कौंसल फोन करिए एस डी साहब फोन करिए हेल्पलाइन नंबर एक ही है जो उसे कंप्लेन चली जाती है या सूचना चली जाती है ऑटोमैटिकली नगर कौंसल भी आ जाती है एस डी साहब सारे प्रशासन को चली जाती है और कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।